नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है प्रयागा। आज हम लोग अपनी इस क्लास में बात करने वाले हैं कक्षा 11 के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रयागा चैप्टर की। ठीक है, आज हम लोग अपनी इस क्लास में इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपने पाठ को। इसमें इसका जैसे नाम से ही स्पष्ट है, प्रयागा यानी कि इसमें प्रयाग के बारे में, जो इलाहाबाद है हमारा, इसका जो अभी नाम वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टिम स्थानम अस्ति। क्या कह रहे हैं? भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टिम स्थानम अस्ति। ठीक है, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य, प्रयाग का विशिष्टिम मतलब विशेष, स्थान मतलब स्थान, अस्ति मतलब है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्रह्मणा प्रकष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। अत्र ब्रह्मणा, अत्र मतलब यहाँ पर, ब्रह्मणा मतलब ब्रह्मा के द्वारा, प्रकष्ट याग मतलब श्रेष्ठ यज्ञ। ठीक है, प्रकष्ट मतलब श्रेष्ठ, याग मतलब यज्ञ, करणात् मतलब करने के कारण। ठीक है, श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम, अस्य मतलब इसका नाम, मतलब नाम प्रयागः, प्रयाग अभवत मतलब हुआ। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। ठीक है, गंगा यमुनयो संगमे सितासित जले स्नानात्वा जना विगत कल्मसा भवन्ति इति जनानाम विश्वासः। क्या कह रहे हैं? गंगा यमुनयो मतलब गंगा और यमुना नदी के संगमे, संगम में, गंगा और यमुना नदी के संगम में सितासित जले, गंगा यमुना नदी के संगम के सितासित। ठीक है, सित और इसको अलग करेंगे, सित और असित। सित मतलब श्वेत, असित मतलब श्याम, जले मतलब जल, श्वेत श्याम जल में स्नानत्वा स्नान करके, जना मतलब लोग, विगत कल्मसा मतलब पाप रहित, भवन्ति मतलब हो जाते हैं, इति मतलब ऐसा, जनाना मतलब लोगों का, विश्वास मतलब विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है कि गंगा यमुना नदी के संगम के श्वेत और श्याम जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं। ठीक है, अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांत्यो च स्नानार्थी मत्र महान समृद्धा भवति। क्या कह रहे हैं? अमावस्या और पूर्णिमा की संक्रांति को, ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा की संक्रांति को स्नानार्थी मतलब स्नान करने वाले, महान मतलब बहुत, समृद्धा मतलब भीड़ बहुत मतलब होती है, अमावस्या और पूर्णिमा की संक्रांति को यहाँ स्नान करने वालों की अपार मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, महान समृद्धा में बहुत ज़्यादा भीड़। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लच्छा जना अत्र आयांति मास मेक उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषाम महात्मान महात्मानाम उपदेशा अमृतेन च आत्मानम पावयन्ति। ठीक है, यहाँ महान आत्मान और उपदेशान और अमृतेन तीन शब्द मिले हुए हैं, तो इनको अलग अलग कर पड़े हैं। ठीक है, च आत्मान पावयन्ति। क्या कह रहे हैं? प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य, सूर्य के मकर राशि में जाने पर, माघ मासे माघ के महीने में, तू अनेक लच्छा मतलब अनेक लाख जना मतलब लोग, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आते हैं, मासम एकम उषित्वा मतलब एक महीने तक रहकर। ठीक है, और संगम के पवित्र जल में स्नान करके, विदुषाम महात्मानु
उपदेश अमृतेन च आत्मान पद और विदुषा मतलब विद्वानों के, महात्मान मतलब महात्माओं के उपदेशों उपदेश रूपी अमृत से, ठीक है। चा मतलब और आत्मान मतलब अपने आप को, पावेंद मतलब पावन करते हैं, ठीक है। तो इस पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा, प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर, ठीक है, माघ के महीने में कई लाख लोग, ठीक है, अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से खुद को स्वयं को पावन करते हैं, ठीक है। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षा प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्मेव याचका याचकेभ्यो दत्वा मेघ इव पुनः संचयार्थ स्वराजधानीम प्रत्यगच्छत। क्या कह रहे हैं, अस्मिन्नेव, अस्मिन्नेव मतलब इस, ठीक है, पर्वाणि मतलब पर्व पे महाराज श्रीहर्ष महाराजा हर्ष प्रति पंचवर्षम प्रत्येक पांच वर्ष में अत्रागत्य यहाँ आकर सर्वस्मेव सब कुछ अपना सब कुछ याचके भी हो मांगने वालों को, ठीक है, भिखारियों को दत्वा देकर मेघयु बादल की तरह पुनः संचयार्थ फिर से संचय करने के लिए स्वराजधानी अपनी राजधानी प्रत्यगच्छत चले जाते हैं, ठीक है। पूरी लाइन कार्ड देखेंगे, इसी पर्व पर महाराज, ठीक है, इसी पर्व पर महाराज हर्षवर्धन प्रति पांचवें वर्ष यहाँ आकर मांगने वालों को, ठीक है, भिखारियों को सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ दान देकर बादलों की भांति, ठीक है, पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमः अपि तत्रैव अत्रैव अस्ति। ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमः, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी, अपि मतलब भी, अत्रैव मतलब यहीं पे, अस्ति मतलब है, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र पुरा दस सहस्त्रमिता विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन। क्या कह रहे हैं, यत्र पुरा, यत्र मतलब यहाँ, पुरा मतलब पहले प्राचीन काल में, दस सहस्त्र मिता 10,000 विद्यार्थी ना विद्यार्थी अधीतिना अध्ययन करते आसन करते थे, ठीक, अध्ययन करते थे, अधीतना आसन अध्ययन करते थे, यहाँ पर पहले 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, ठीक है। पितु आज्ञाम पालनम पालयन पितु आज्ञाम पालयन पुरुषोत्तमः श्री रामः अयोध्याया वनम गच्छन। पितु मतलब पिता की, आज्ञाम मतलब आज्ञा का, पालन पालयन मतलब पालन करने के लिए, पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम श्री राम श्री रामचंद्र जी अयोध्याया अयोध्या से वनम गच्छन वन के लिए गए, ठीक है। कुत्र मयावस्थय में मुझे कहाँ रहना चाहिए इति प्रष्टुम यह पूछने के लिए, अत्रैव अत्रैव मतलब यहाँ पर, यहाँ कहाँ प्रयाग में, अत्रैव भारद्वाज से समीपम आगता, यहाँ पर भारद्वाज जी के समीप यानी कि पास आगता मतलब आए। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वन चले गए थे, ठीक है, वन जाकर मुझे कहाँ रहना चाहिए यह पूछने के लिए यहाँ पर भारद्वाज जी के पास आए थे, ठीक है, आए थे। चित्रकूट में तो चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत। चित्रकूट में चित्रकूट ही त्वन्निवासम योग्यम तुम्हारे निवास करने योग्य उचितम उचित स्थानम स्थान, ठीक है, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास करने योग्य या रहने योग्य उचित स्थान है इति तेनादिष्ट ऐसा तेनादिष्ट आदेश उनसे आदेश पाके
किससे? ऋषि भारद्वाज से। उनसे आदेश पाके रामा राम जी सीतया लक्ष्मणेन च सह सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम चित्रकूट अगच्छत आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरावस्तनामेकम समृद्धम राज्य मासीत। पुरावस्तनामेकम समृद्धम राज्य मासीत। पुरा मतलब पुराने समय में, वस्तनामेकम मतलब वत्स नाम का एक, समृद्धम मतलब समृद्धशाली या समृद्ध। ठीक है, संपन्न। राज्य मासीत राज्य था। पुराने समय में या प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध या समृद्ध शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, अस्य राजधानी कौसाम्बी इतः नाति दूरे वर्तता। इस अस्य मतलब इसकी राजधानी कौसाम्बी इतः इससे नाति दूरे वर्तता ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब किससे? इतः मतलब इससे, मतलब प्रयाग से। इस किसकी राजधानी? वत्स की राजधानी। ठीक है, इसकी राजधानी कौसाम्बी इससे ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अस्य राज्यस्य शासकः, अस्य राज्यस्य शासकः महाराजा उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञ चासीत। ठीक है, ललित कलाभिज्ञ चासीत। अस्य राजधानी नहीं, यहाँ से अस्य राज्यस्य, इस राज्य के, इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर बहुत सुंदर ललित कला भिज्ञ मतलब ललित कला के ज्ञाता जानने वाले चासीत थे। ठीक है, इसके शासक, अस्य शासक का मतलब इसके शासक, इसके इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अनुपम सुंदर ललित और ललित कला के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे, यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रसादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। क्या कह रहे हैं? यमुना तटे आधुनिक, यमुना नदी के तट पे आधुनिक मतलब आज के समय में सुजावन ग्राम में, सुजावन नाम के गांव में तस्य सुयामिन प्रसादस्य, उनके सुयामिन महल के, प्रसाद मतलब होता है महान, सुयामुन उनके महल का नाम था। ठीक है, तस्य मतलब उनके, किसके? उदयन की बात कर रहा है, महाराजा उदयन की, इनके तस्य सुयामिन प्रसादस्य, उनके सुयामुन महल के ध्वंसावशेषा मतलब ध्वंस नष्ट हुए अवशेष यानी कि खंडहर, सुयामिन महल के खंडहर तस्य सौंदर्यानुरागम ख्याप्यन्ति, उसके सौंदर्य के अनुराग को बताते हैं, उनके सौंदर्य के प्रति प्रेम को, अनुराग मतलब होता है प्रेम, सौंदर्य के प्रति प्रेम को ख्याप्यन्ति मतलब बताते हैं। ठीक है, या दिखाते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौसाम्ब्यामेव स्वशिला लेखं कारयत् यो अधुना कौसाम्ब्यः अनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। क्या कह रहे हैं? प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौसाम्ब्यामेव, कौसाम्बी में स्वशिला लेख कारयत् मतलब अपना शिला लेख बनवाया था। यो अधुना मतलब यो मतलब जो, अधुना मतलब आजकल, जो आजकल कौसाम्बिया कौसाम्बी से आनीय लाकर प्रयागस्य प्रयाग के दुर्गे दुर्ग में सुरक्षित सुरक्षित किया गया है। ठीक है, या सुरक्षित रखा गया है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौसाम्बी में जो अपना शिलालेख बनवाया था वो आज के समय में, आजकल कौसाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्ववसा राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूंसी अत्याधुनिक नामनः प्रसिद्धमस्ति। गंगायाः पूर्वं पुराणस्य प्रसिद्धः महाराज पूर्ववसा,
क्या कह रहे हैं, गंगा के, गंगाया पूर्व मतलब गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्ध से मतलब पुराणों में प्रसिद्ध, महाराज से पुरुरवसा महाराज पुरुरवा, राजधानी की राजधानी प्रतिष्ठानपुरम प्रतिष्ठानपुर, झूसी अत्याधुनिक नामा आजकल, झूसी अत्याधुनिक मतलब आज के समय में, झूसी मतलब झूसी के नाम ना मतलब नाम से, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध है, गंगा के पूर्व में पुराण में प्रसिद्ध, पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल आज के समय में झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मनाश स्थिता अक्षुण्णयो, क्या कह रहे हैं, जिसकी यस्य मतलब जिसकी, प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा, ठीक है, सम्मान, अद्यापि आज भी, विदुषाम विद्वानों, महात्मनाश और महात्माओं, स्थित्वा रहने से, अक्षुण्णयो अखंडित है, अखंडित है मतलब इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से कम नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि आज भी वहाँ पे बहुत से विद्वान और महात्मा लोग रहते हैं। ठीक है, इतिहास प्रसिद्धा नीत निपुणा मुगल शासका अकबरनामा दिल्लया सुदूरे पूर्वस्याम दिस स्थितियो कडा जौनपुर नामकियो समृद्धियो राज्यो निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय तयोर मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम दृढ़म दुर्गम कार्यत गंगा प्रवाहाश्च रक्षणाय विशालम बंधम बंधन अप्यकार्यत। ठीक है, बंधनम अप्यकार्यत इसको पढ़ेंगे, बंधन यो अद्याप नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा एव स्थितो अस्ति। ठीक है, इतिहास प्रसिद्धा, अब एक शब्द का अर्थ देखें, इतिहास प्रसिद्धा इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुणा नीति में निपुण, मुगल शासक शासका मुगल शासक, अकबरनामा अकबर नामक दिल्लिया दिल्ली के, सुदूरे दिल्ली से, सुदूरे मतलब बहुत दूर, पूर्वस्या पूर्व में, ठीक है, दिस स्थितियो पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामक यो कड़ा जौनपुर नामक दो समृद्धियो दो समृद्ध राज्यों राज्यों का निरीक्षण निरीक्षण दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकर तयोर मध्य उनके मध्य प्रयागे प्रयाग में गंगा यमुनाभ्याम गंगा यमुना के परिवर्तन चारों ओर दृढ़म मजबूत दुर्गम कार्यत किला दुर्ग मतलब किला अकार्यत मतलब बनवाया गंगा प्रवाह गंगा के प्रवाह से रक्षणा रक्षा करने के लिए विशालम विशाल बंधन बंधनम अपकार्यत बांध बनवाया यो अद्यापि जो आज भी नगर से नगर के गंगायश गंगा के मध्य मध्य सीमा में इव में मध्य सीमा के समान, ठीक है, इव मतलब समान स्थितो स्थित है। ठीक है, फिर से एक बार पूरे पैरा का अर्थ देख लेते हैं, इतिहास प्रसिद्धा इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक, ठीक है, अकबर नामक मुगल शासक दिल्ली दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में, ठीक है, स्थित कडा जौनपुर नामक दो समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य में स्थित प्रयाग में गंगा के, ठीक है, गंगा और यमुना नदियों के परिवर्तन चारों ओर दृढ़ मतलब मजबूत दुर्गम कार्यत किला बनवाया गंगा प्रवाह से गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए विशालम बंधम अप्यकार्यत
विशाल बांध भी बनवाया, यो अद्यपि जो आज, ठीक है, जो आज भी, यो अद्यपि जो आज भी नगरस्य नगर की गंगायाश मध्य, नगर और गंगा के मध्य में सीमा के समान स्थित है, ठीक है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत। क्या कह रहे हैं, अयमेव मतलब इसने ही, किसने, अकबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अयमेव इसने ही यानी कि अकबर ने प्रयागस्य, प्रयाग का नाम स्वकीयस्य अपने द्वारा चलाए गए, स्वकीयस्य मतलब अपने द्वारा किए गए, अपने द्वारा चलाए गए, इलाही जो उनका दीन ए इलाही धर्म था उसी बात करें, दीन ए इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत ऐसा कर दिया, ठीक है। इसने ही अपने द्वारा चलाए गए इलाही धर्म के अनुसार इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टये च अति महत्वपूर्ण अस्ति। क्या कह रहे हैं, इयम दुर्गम यह दुर्ग, अतीव मतलब अधिक, अत्यधिक, ठीक है। विशालम मतलब विशाल, बड़ा, सुदृढ़ मतलब मजबूत, सुरक्षा दृष्टि या सुरक्षा की दृष्टि से, अति महत्वपूर्णम अस्ति, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत। भारत के, ठीक है, भारतस्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलनस्य मतलब स्वतंत्रता आंदोलन का, इदम नगरम यह नगर, इदम मतलब यह नगर मतलब नगर, प्रधान केंद्रम प्रधान यानी कि मुख्य केंद्र आसीत था। भारत की स्वतंत्रता का यह नगर प्रधान केंद्र था, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं इसको, यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय आजाद उपनाम, ठीक है, आजाद उपनाम नामकस्य चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलन संचालनम अकुर्वन, ठीक है। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवी, आजादो उपनामकस्य, आजाद जिनका उपनाम है वो चंद्रशेखर, ठीक है। आजादो उपनामकम, यहाँ पे आजाद उपनामकम होगा तो यही उसकी गुण संधि हो गई है, इसीलिए आजादो उपनामकम एक में कर दिया है, ठीक है। तो आजाद उपनामकम यानी कि आजाद उपनाम है जिनका वो चंद्रशेखर, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। अन्य च और अन्य, स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, अस्यामेव अस्याम तो इसी पावन भूमि से उसित्व मतलब उठ में रहकर, ठीक है, आंदोलन का संचालन किया। पूरी लाइन का एक साथ अर्थ देखेंगे। श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय और ये चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इसी पावन भूमि में रहकर, अस्यामेव इसी पावन भूमि में उसित्वा रहकर आंदोलन का संचालन अकुर्वन किया था, ठीक है। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, इयम यह क्रीड़ा स्थली यानी कि जन्मभूमि या
उनकी खेलने की, मतलब जहाँ पे बच्चा पैदा होगा वहीं तो खेलेगा, इसीलिए खेलने की या फिर जन्मभूमि, कर्मभूमि से और कर्मभूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। क्या कह रहे हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थितम यहाँ स्थित है। ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न यानी कि लगे हुए हिंदी साहित्य लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत्तः विविध विद्या पारंगतये विद्वरेणे ठीक है विद्वरेणे उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनम रूपमेव शोभते। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, अत्रैव च अनेक सहस्त्र संख्ये, अत्रैव च मतलब यहाँ पर, ठीक है यहाँ, अत्रैव च और यहाँ, अनेक सहस्त्र मतलब हजारों की संख्या में, ठीक है हजार अनेक हजारों की संख्या में देश विदेश से भी, देश विदेश से विद्यार्थी, ठीक है देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश से विद्यार्थी परिवर्तन घिरा हुआ विविध विद्या पारंगते विविध विद्याओं में पारंगत विद्वरेणे श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभिता सुशोभित च प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज से प्राचीन गुरुकुल, भारद्वाज ऋषि का जो प्राचीन गुरुकुल था, गुरुकुल था वो नवीन रूप में शोभित, नवीन रूप में शोभायमान है, ठीक है या शोभित है। फिर से देखते हैं, अत्रैव च और यहाँ पर अनेक सहस्त्रे संख्ये देश विदेश से विद्यार्थी भी, देश विदेश से हजारों विद्यार्थियों से परिवर्ता मतलब घिरा हुआ विविध विद्या पारंगते विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वरेणे शेष विद्वानों से उपशोभिता शोभित च प्रयाग और प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज ऋषि का प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप में शोभायमान है। ठीक है, और यहाँ पर अनेक हजार विद्यार्थी जो देश विदेश से आते हैं, ठीक है परिवर्तन से घिरा हुआ विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित यहाँ का प्रयाग विश्वविद्यालय और भारद्वाज ऋषि का प्राचीन गुरुकुल नवीन रूप में शोभित है, सुशोभित है। ठीक है, स्वतंत्रते अस्मिन् भारते, क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रते अस्मिन् अस्मिन् भारते प्रत्येकम नागरिकाणाम न्याय प्राप्तेर अधिकार घोषणामिव कुर्वन उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठा वर्धयति। क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रते अस्मिन् स्वतंत्र अस्मिन् मतलब हम प्रत्येक, ठीक है स्वतंत्रते अस्मिन् हमारे स्वतंत्र भारते यानी कि इस अस्मिन् मतलब इस स्वतंत्र हुए, भारते मतलब भारत, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक मतलब प्रत्येक नागरिकाणाम मतलब नागरिक के न्याय प्राप्त अधिकार घोषणा म्यू न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा म्यू मतलब घोषणा करता हुआ, ठीक है मतलब घोषणा करता हुआ यू मतलब होता है उसके समान मानो, ठीक है न्याय प्राप्त अधिकार घोषणा म्यू यानी कि मानो न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य इस नगर की प्रतिष्ठा वर्धयति प्रतिष्ठां वर्धयति प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर से इस स्वतंत्र हुए
भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमान महिमानम वर्णयन महाकवि कालिदासा सत्यमेव अकथयत। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमान एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती पवित्र संगम में के पवित्र संगम में स्थितस्य स्थित भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृति के केंद्रस्य केंद्र च महिमानाम वर्णयन महिमा का वर्णन करते हुए, ठीक है, महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। फिर से देखते हैं। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र, ये यहाँ पे स्थित इच्छा जो है यहाँ पे आएगा और, ठीक है, स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र केंद्र का वर्णन करते हुए, केंद्र यानी कौन, यानी कि प्रयाग, यहाँ पे प्रयाग लिखा नहीं है लेकिन केंद्र यानी कि प्रयाग का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? समुद्र पत्नियो जल सन्निपाते पूतान पूतात्मना मत्र किलाभिषेकात् पूतात्मन अत्र किलाभिषेकात्। यहाँ पे क्या होगा? पूत आत्मन पूतम आत्मन अत्र, यहाँ पे इससे अलग हो जाएंगे, तीन शब्द हैं, पूतम मतलब पवित्र, आत्मन मतलब स्वयं को, अत्र मतलब यहाँ पर, किलाभिषेकात् किल अभिषेकात्, ठीक है, स्नान करने से, अभिषेकात् मतलब स्नान करने से, समुद्र पत्नियों समुद्र की पत्नियों, दो कौन सी है समुद्र की पत्नी, समुद्र की दोनों पत्नियों सन्निपाते के मिलन पे यानी कि संगम पे, प्रयाग में ही तो मिलती हैं गंगा और यमुना, तो क्या कह रहे हैं, समुद्र की दोनों पत्नियों के संगम पे किल अभिषेकात् मतलब स्नान करने से, पूतात्मनात् मतलब पवित्र होता है, पवित्र होती है आत्मा मतलब स्वयं को, ठीक है, पवित्र होती है आत्मा, तत्वबोधेन विनापि भूयस। क्या कह रहे हैं? तत्वबोधेन विनापि भूयस तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधा। क्या कह रहे हैं? यहां पर समुद्र की दोनों पत्नियों, दोनों पत्नियों का मतलब कौन, अर्थात गंगा और यमुना के जल में यानी कि संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा, ठीक है, पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को, ठीक है, जो स्नान किल भिषेकात् मतलब स्नान करने से पवित्र पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वबोधेन विनापि, बिना तत्वबोध के यानी कि तत्वों के ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के शरीर त्याग कर, तनु त्यजाम कह रहा है, तनु त्यजाम मतलब शरीर त्यागने पर, ठीक है, शरीर त्याग के शरीर के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, उनको इस नश्वर संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? समुद्र की दोनों पत्नियों के संगम यानी कि गंगा यमुना नदी के संगम में स्नान करके पवित्र हुए लोग बिना तत्व के ज्ञान के भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसका इतना ही अर्थ है, फिर से एक बार क्लियर कर दें। यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों
के अर्थात गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को, ठीक है, जो पवित्र आत्मा वाले यानी कि जो पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति हैं, उनको तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर, ये शरीर पुराना शरीर छोड़कर इस शरीर के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर प्रयाग, जिसमें हमने इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को ये इसका अनुवाद समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी कक्षा में हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।